के जितने भी नेताएं हैं सभी के सभी रिश्वतखोर हो चुके हैं, अपना ईमान बेच चुके हैं। आइए एक नाटक के माध्यम से इसे समझते हैं कि एक माहौल में एक चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में नेता अपने किस तरह से वादा करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसे एक नाटक के माध्यम से समझते हैं। छगन प्रसाद जिंदाबाद, छगन प्रसाद जिंदाबाद। रुको रुको, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अरे मुझे इलेक्शन फॉर्म भरना है। प्रत्याशी हो? हाँ। केवल तुम अंदर जा सकते हो, तुम सब चलो बाहर। अच्छा ठीक है साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार, बैठिए बताइए। इलेक्शन फॉर्म भरना है? हाँ हाँ, वो तो पता है। आपका नाम? छगन प्रसाद। छगन प्रसाद, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, आपका फॉर्म भर गया। धन्यवाद धन्यवाद। छगन प्रसाद जिंदाबाद, छगन प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू भैया जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या होता है, हम क्या करने के आए हैं, क्या पूछ रहे हो? अरे आप लोग अंदर कैसे आए? रास्ते से। क्या काम है? इलेक्शन फॉर्म भरना है। आपका नाम? नहीं साहब, नहीं मालूम है साहब। पूरा गोरखपुर जानता है। अरे तो गोरखपुर में बहुत भाई है, नहीं मालूम है हमें। इतने गुड्डू भाई। अच्छा गुड्डू भाई, ठीक है भाई, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। अरे जल्दी कर। अच्छा अंगूठा छाप, ठीक है भाई, आपका टिकट कट गया। तुम मेरा टिकट कट गया? नहीं भाई, इलेक्शन की टिकट की बात कर रहे हैं। तब तो तू आज बच गया। ये भाई छोड़िए, नहीं तो आज तो तू गया रहता। गुड्डू भैया जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद। जुमरी भाई, जुमरी भाई, हाय हाय, जुमरी भाई, आप सब अंदर कैसे आए? क्या काम है? ओ चिकने, हम लोग इधर इलेक्शन फॉर्म भरने आए हैं। जी आपका नाम? अपनी भाई जुमरी भाई। अच्छा जुमरी भाई, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए अपना। ठीक है जाइए। ओ चिकने, तेरे जब कोई बच्चा होगा ना तो हम लोग को बुलाना, हम उनका लगाने आएगा। ठीक है ठीक है। जुमरी भाई, हाय हाय, जुमरी भाई, हाय हाय, जुमरी भाई, हाय हाय, जुमरी भाई, हाय हाय। कटकेश्वर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। केश्वर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। केश्वर भैया जिंदाबाद, जिंदा ज्यादा बोलेगा, चुप रहा है बेटा, खुश रहो। और बताओ कुशल मंगल है कि नहीं? बिटिया कैसी है तुम्हारी? अच्छा ये बताओ कुछ खर्चा पनिया मिला? कहाँ कर रहे हो, लेट लगाएगा? अरे ससुर अभा का पूरा नहीं लेना था, थोड़ा क्या लेना। चलो ठीक है, अब जाओ, तो दिमाग खराब हो गया। नमस्कार नेताजी। नमस्कार, बैठिए बैठिए। हरियो हरियो। और बताइए, चाय या ठंडा पानी मंगावे? ससुर वो पानी रमुआ ने मंगाया था ना, मछिया गिरी थी, मरी माछी, नीचे नहीं लग रहा था। अच्छा, चाय ठंडा ना गले कटाइयो नहीं चाहिए ना। अच्छा ये बता, फरमा हमारा लिखे हो नहीं? हाँ तैयार है नेताजी, बस आपको केवल साइन कर देना है। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। ठीक है,
इस बार आपकी पार्टी की बहुत बोलबाल है। अरे वो तो है ही, ऐसा है समय है नहीं, चुनाव का समय है, प्रचार प्रसार के लिए जाना है, लेट हो रहा है। इस बार अभी पार्टी जीतेगी लगता है। अरे इस बार तो हम लोग की पार्टी एकदम है। हवेली पा जाना, ठीक है आ जाना। ठीक है ठीक है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो? खटकेश्वर दास जैसे हो। देखिए ये कैसे कैसे लोग हैं जो पैसे की बलबूते चुनाव जीत जाते हैं और 5 सालों में एक बार आकर जनता को अपना मुंह दिखाते हैं और इनके अंदर हम लोगों को काम करना पड़ता है। हर जी इस जिंदगी मैं अपने आप को कोसता हूँ। भाई 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 भाई, भाई, भाई। हाँ छोटे, तीनों नेता अपने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर। हमारा प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? हमारा प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? लग रहा है कि इस बार नहीं छोटे, इस बार का इलेक्शन हमें किसी भी हाल में जीतना होगा। आप बोलो तो तीनों को ठोक दूं। नहीं नहीं, इलेक्शन के माहौल में ये सब चीजें ठीक नहीं है। पैसे ये ले ले जा, बस्ती में कटवा दे और जिसको दारू चरस गांजा जो चाहिए पूरा बंटवा दे और रिकॉर्ड बना दे। अगर कोई पैसे लेने के बावजूद हमें वोट नहीं करता है तो इलेक्शन के बाद उसको मार दे रही है। चलो रे चलो चलो। तो दीजिए हम फिर आ गए। आखिरी तक आवाज आ रहा है नहीं मेरा? आखिरी तक आवाज, इनकी आवाज कोई सुनती अभी है? चुप रहो, बीच में। हाँ तो मैं कह रहा था नहीं। हम फिर आ गए मैंने मतलब आपसे कहने के लिए कि इस बार का वोट हमें दीजिएगा, अपना सारा वोट इस छोटे भाई चटकेश्वर को दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी सारी परेशानियों को हम ये क्या नेता जी ये क्या चुनाव चिन्ह अपना। अच्छा अच्छा चुनाव चिन्ह, तालियां तालियां। एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए और मेवा ये खाएंगे। तो छोड़िए, खाने से याद आया, बाजू वाले मैदान में हमने खाने पीने का पूरा व्यवस्था किया। सब परिवार आइए, खा पी कर जाइए, पार्टी का आयोजन है। और इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। अरे नेताजी आपकी आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, ये मासूम चेहरे देखे? ये नहीं नहीं ये अच्छा अच्छा ये मासूम चेहरे 5 साल बाद दिखाई देंगे। और कहता अरे नेताजी बस कीजिए नाटक, बहुत हो गया। नमस्कार नेताजी। बुलाओ ना। अच्छा अच्छा आइए आइए, आप लोगों को नेताजी बुला रहे हैं। आइए आइए आइए। आइए आइए आप लोग भी आइए, नेताजी आपको बुला रहे हैं। आइए आइए आप भी आइए। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। पहना के तभी ना। अरे महाराज बताओ
सब व्यवस्था पानी किए नहीं, सब व्यवस्था टाइट है महाराज, इस बार तो आप ही जीतेंगे। अरे तो है ही, इसके अलग व्यवस्था लाओ। अरे महाराज इसकी क्या जरूरत। अरे नहीं नहीं, अरे दीजिए पैसा दे, पैसा दे। अरे पैसा नहीं देगा, थोड़ा तो रकम बढ़ा के दीजिएगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कितना खाएगा रे, करप्शन की सब हदी पार। अरे दीजिए महाराज, क्या आप भी कंजूसी करते हैं। अरे नेता जी हमारे घर में हरा दो। कैसा आप सब बढ़िया? देखो दारू व्यवस्था तो हम सब के लिए किए हैं, लेकिन हवेली पा जाना। हवेली में महाराज हम सब चेक लेंगे महाराज। कैसा है सीएम साहब आ रहे हैं, व्यवस्था की है? अरे सब हम देख लेंगे, बोलाए थे आपको मैं तो नहीं। हाँ तो ठीक है, हो गया भाई साहब। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे देश के जितने भी नेता हैं अपनी पब्लिक को पैसा देके वोट पाने के लिए अपनी पब्लिकों को खरीद रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि उनमें से एक जो नेता से पैसा पाता है वो उन पैसों के अपने घर पे कैसे इस्तेमाल करता है। सही नहीं है, सही नहीं है। योहानी सिंगे, अरे बेटा दिखना थोड़ा दरवाजे पे कौन आया है। देखता हूँ माँ, तो ऐसे कचरे वाले का है रहा है। माँ डैड आए हैं। डैड आए हैं, इनकी भी वैसी टाइमिंग है, कभी भी मुंह उठा के चले आते हैं। अरे मेरी जान, एडमिशन फॉर्म चाहिए लेने के लिए बहुत बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी। अरे
लाइन लगते हैं आजकल खर्चा पानी से क्या नहीं होता सरकार। अच्छा ठीक है मैं भी देखती हूँ बिना लाइन के कैसे एडमिशन हो जाए। अरे कल के कल एडमिशन कराऊंगा अपने बेटे का। ठीक है मैं भी कल के कल ही देखूंगी कैसे एडमिशन हो रहा है। तो क्यों बेटा करा तू एडमिशन जुआर इंस्टीट्यूट में। छोड़ो पापा दे दो गाना सुनो दे चार बोतल रोज का काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने टोका। मेरे बेटे को पहले एडमिशन करा जाके पहले इसके एडमिशन कराओ। हाँ थकी जाओ एडमिशन कराना। नमस्कार मिस्टर ईमानदार। अरे सब आपके हाथ। अरे हमें सब टेबल के नीचे रहते हैं ना। बड़े समझदार व्यक्ति लगते हैं। जी 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 वो तो मैं हूँ जी। अरे बेटे का एडमिशन कराना था सरकार। एडमिशन कराना था जी 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 जी। एडमिशन तो नहीं हो सकता। कहे सरकार देखो भाई सीट फुल हो चुकी है। पर सर कल तो सीट खाली थी ना। तो आज भर चुकी है। अरे साहब कुछ तो चाय पानी लेते होंगे ना आप। अरे आप लगता है सुपर से ऊपर वाले करप्टर। अरे जी जी तो देखो भाई मेरा चाय पानी 6 लाख रुपया है। 6 लाख रुपया? जी हाँ 6 लाख रुपया। अरे साहब गरीब आदमी है हम लोग 3 लाख में एडजस्ट कीजिए ना। नहीं नहीं हो पाएगा। देखो भाई जो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है वो गरीबी का गान गाता है। देखो तुम्हारे लिए 5 लाख में कर देंगे। आई पकड़िए 4 लाख रुपया और सर डील करिए सर गरीब। अरे नहीं हो पाएगा रखिए सर। चलो तुम नेता जी गरीबी आदमी हो इसीलिए 5 लाख में हम ओके कर देते हैं। ठीक सर ठीक ठीक। चलिए बैठिए एडमिशन का आगे। अरे सर आपने तो करप्शन की हद ही पार कर दी। देखो भाई ऐसा है मेरा नाम है मिस्टर ईमानदार करप मफत लाल करप यानी IM करप। इधर आओ बेटा तुम्हारे पापा बोल रहे तुम बड़े नालायक व्यक्ति लगते हो। उनको हम गलत साबित करके दिखला देंगे जुगाड़ी इंस्टीट्यूट में जो तुम आए हो। ठीक है वो पढ़ो लिखो और पढ़ो। ए हमार लइकवा हम जात ही अब आफी घरे जइए अपने। ठीक बा ठीक बा। हम भी बड़े होके लेकिन ये जैसे करप्ट आदमी बनेंगे। अरे वो सब तो ठीक है रे जा घर जा। नमस्कार नमस्कार बापन बाबू। अरे राम राम चमन बाबू। बड़ी देर कर दी ऑफिस आने में। अरे वो बिटवा का एडमिशन कराने गया था। अच्छा और लंच का टाइम हो गया है तो लंच कर लेते हैं। चलिए चलिए बैठिए। और बताइए एडमिशन हुआ कि नहीं। अरे चमन बाबू होगा कैसे नहीं वो प्रिंसिपलवा को चाय पानी का खर्चा दिया कर दिया भाई। आप तो हर एक काम चाय पानी से करा ही लेते हैं अपना। एक करप्शन के दुनिया में चाय पानी से क्या कुछ नहीं होता चमन बाबू। वो तो है। आइए बैठिए लंच करिए। ठीक निकालिए। आज तो टिफिन में मटर पनीर और गाजर का हलवा बना है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक तुमने बात सुना क्या। क्या बात है बको। अगले 2 दिन के लिए ट्रक हड़ताल है। अरे यार ये के अनुसार आप लोग का टाइम ज्यादा हो रहा है। 5 मिनट ऑलरेडी अधिक हो चुका है। अरे सर ये ट्रक हड़ताल हमको समझ में नहीं आता। 2 दिन की ट्रक हड़ताल है 3 दिन छुट्टी मार दो 5 दिन में। ठीक है बात कर लीजिए। हाँ मेरी जान लुट गई बर्बाद हो गई। अरे क्या बात है तुम आई मर गई क्या रे। अरे घर में चोरी हो गया। चोरी हो गया चोरी हो गया। अरे जो तुमने पहले मेकअप का 50 लाख रुपए रखा था खरीद
गए। अरे कैसे हुआ कुछ पता है? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तू फोन रख बेबी, तू फोन रख, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। अरे जा, मेरे घर में चोरी हो गई भाई। क्या हुआ क्या? मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, मेरा काम देख लियो भाई। जाओ, अगर कोई बात होगा तो मुझे बताना भाई, जल्दी काम देख। अच्छा हुआ मेरा गाजर का हलवा बच गया। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे सर, तावड़े, इतना रात हो चुका है, अब तू काला चश्मा लगाए कैसे दिखेगा? अच्छा ये बता, हाँ साहब, कलेक्शन कल का कितना हुआ? साहब कर रहा हूँ, रुक जाइए। ठीक कर कर कर, वो सब छोड़, पहले ये बता कोई नया गेम आया है? नहीं। हाँ साहब आया है। कौन सा? पबजी, पबजी आया है। सब्जी? नहीं साहब, पबजी। अच्छा पबजी, पबजी ठीक है। ऐसा है तू काम कर, मैं आराम कर रहा हूँ। अल्लाह साहब, अरे साहब मैं लूट गया साहब। अरे सर पहले रिपोर्ट लिखिए ना। अरे इंस्पेक्टर साहब बताओ भाई, अभी हम गेम खेल रहा हूँ, दर्ज 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 बास मारा। आगे 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 आगे, पीछे 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 पीछे, ये घर में, घर में, घर में कुछ मार मार मार। ये क्या कर रहा है? सुनो फिर तो कहाँ मारो मारो। अरे मैं गेम की बात कर रहा हूँ। अरे साहब रिपोर्ट लिख दीजिए साहब, मेरे घर में, साहब मेरे घर में चोरी हो गई साहब। चोरी हुआ चाहे कुछ भी हुआ है, यहाँ एक प्रोसीजर होता है। क्या साहब? हवलदार के पास जाओ और रिपोर्ट लिखवाओ। समय का ध्यान दें, समय का ध्यान दें। कैसे हुआ, कब हुआ? जाता हूँ। अरे साहब नहीं, बाप लिख दो। सुनते ही राजे मांगे थे दूसरे से। अरे साहब रिपोर्ट लिख। पहले भी पहले पिया अरे साहब हमारे घर में चोरी हो गया, 50 लाख का डाका पड़ा। इतना का तरमाल का हुआ है ना साहब, जिसने 20 टका दे दे। जिधर जाओ 20 टका दे दे, 10 टका जो जो पैसा मिले कहा दे दे तू पैसा भाई। पैसा नहीं है, इधर आओ। इतना लंबा नाटक होने से ये प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर